और रायपुर में जय भोले कांवड़ यात्रा समिति द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ हिस्सा लिया। सभी कांवड़िए ढोल बाजों के साथ महादेव घाट स्थित बाबा हटकेश्वरनाथ शिवलिंग में जलाभिषेक करने पहुंचे। कांवड़ियों की यात्रा शहर के चौबे कॉलोनी स्थित चिंताहरण हनुमान मंदिर से शुरू हुई और महादेव घाट पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने बाबा हटकेश्वर पर जलाभिषेक किया। इस कांवड़ यात्रा में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में उत्साह के साथ हिस्सा लिया, रास्ते भर बाबा के जयकारे लगाते हुए निकले। बता दें कि कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से कांवड़ यात्रा नहीं निकल पाई थी। भोले कांवड़ यात्रा 2022 हमने इस बार चालू किया, इसी साल चालू किया है और उम्मीद है आप सभी लोग का आशीर्वाद रहेगा तो हम आगे भी इस प्रकार से आयोजन करते रहेंगे। भोले बाबा के कृपा से आज सभी का सहयोग बहुत ही अच्छा रहा है। देश हम लोगों का एक समाज के प्रति सनातन धर्म को आगे लेके जाने का है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जो हिंदुस्तान के अंदर में हमारा धर्म सबसे आगे रहे और इसी की शुभकामना और मनोकामना के साथ हम बाबा की ये यात्रा लेके जा रहे हैं। यह 2 साल से कोरोना काल में कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ, इसी उद्देश्य से सर्व समाज को बुलाकर कार्यक्रम किया गया है। इसमें हमारे 35 फैमिली मेंबर लगभग 213 लोग के साथ में कांवड़ यात्रा बोल बम के नारों के साथ निकाली जा रही। बोल बम